Friends, myself Umesh and welcome to Himachal Study and Analysis. In this video, we shall discuss about Shimla Kalka railway line. So, इसमें जो है हमारे एक facts देखेंगे about Shimla Kalka railway line. ये एक आपकी screen के सामने एक photo रहती है Shimla Kalka railway line railway की. तो इसके बारे में हम discuss करते हैं. सबसे पहले friends important facts जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश में railways के बारे में. जो तो टोटल जो लेंथ है रेलवे लाइंस की हिमाचल प्रदेश में वो जो है 269 किलोमीटर रहती है. तो इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है. जो टोटल लेंथ जो रेलवे लाइंस की हिमाचल प्रदेश में रहती है वो 269 किलोमीटर रहती है. जो लेंथ ऑफ ब्रॉड गेज रहती है वो सिर्फ 23 किलोमीटर रहती है. और ये जो है सिर्फ उन्ना में है. देर इज नो मीटर गॉज, हमारे यहाँ पर कोई भी मीटर गॉज रेलवे लाइन नहीं है. और द लेंथ ऑफ नैरो गॉज इज 246 किलोमीटर. रिसेंटली बिलासपुर टू रेलवे लाइन के बारे में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है. अब देखते हैं कब तक वो बन के तैयार होती है. लेकिन इन प्रेजेंट 269 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन इज प्रेजेंट इन एचपी. तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स की व्हाट इज नैरो गॉज, व्हाट इज ब्रॉड गॉज एंड व्हाट इज मीटर गॉज. तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अभी नैरो गॉज, ब्रॉड गॉज और मीटर गॉज होती क्या है. जैसा कि फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नैरो गॉज जो है ऐसी ट्रैक गोज होती है नैरो देन 1435 मिलीमीटर. ये जो है मोस्टली 600 मिलीमीटर से ज्यादा होती है. और 1435 मिलीमीटर से जो भी हमारी रेलवे लाइन जो है नैरो होती है वो जो है हमारी नैरो गोज में गिनी जाती है. मीटर गोज की जो है हमारे पास जो विड्थ जो है फिक्स रहती है जो है 1000 मिलीमीटर रहती है, जो कि 3 फीट के आसपास पड़ती है. उसके बाद ब्रॉड गोज, ब्रॉड गोज फ्रेंड्स सिंपल है, ऐसी रेलवे लाइन जिनकी जो विड्थ है वो 1435 मिलीमीटर से क्या हो ज्यादा हो वो जो है हमारे पास ब्रॉड गोज होती है. फ्रेंड्स जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो मैंने हिमाचल प्रदेश का मैप जूम किया हुआ है इसमें हम देख लेते हैं. तो ये रहा हमारा कालका. तो ये रेलवे लाइन है कालका से होते हुए आप ब्लैक डॉट्स में देख पा रहे हैं मैप में. ये जो हमारी रेलवे लाइन रहती है ये शिमला तक जाती है और ये ब्रिटिश डिजाइन में बनी हुई थी. और इसकी जो टोटल लेंथ जो रहती है 96 किलोमीटर रहती है. फ्रेंड्स आइए इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. कालका शिमला रेलवे इज 2 फीट 6 इंच 762 मिलीमीटर इसकी बिर्थ रहती है. और ये जो है नैरो गॉज रेलवे लाइन रहती है. फ्रेंड्स रिमेम्बर इट, ये जो है नैरो गॉज रेलवे लाइन रहती है. और ये जो नॉर्थ इंडिया में रहती है अप टू कालका टू शिमला. और जो इसका जो टोटल जो लेंथ रहती है वो 96 किलोमीटर रहती है. ये जो कालका शिमला जो है ये बन के जो है 1898 में तैयार हो गई थी. एंड इट कनेक्ट्स शिमला द समर कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज विद द रेस्ट इंडियन रेलवे सिस्टम. फ्रेंड्स ध्यान दें कंस्ट्रक्शन के टाइम इसमें जो 107 टनल्स थी और 864 ब्रिजेस थे. लेकिन इन प्रेजेंट अब इसमें 102 टनल्स हैं और 864 ब्रिजेस हैं. जो फ्रेंड्स जो चीफ जो इंजीनियर थे इस कालका शिमला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के HS हरिंगटन थे. फ्रेंड्स ध्यान दें यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. तो जो चीफ जो इंजीनियर थे हमारे कालका शिमला रेलवे लाइन के वो HS हरिंगटन थे. और ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन जो रहती है इसे जो है एक हेरिटेज डिक्लेयर किया था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 2007 में. फ्रेंड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये रहता है कि इन 2008 जो यूनेस्को ने जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है माउंटेन्स ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया में इसको जो है डाल दिया था. तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखें 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है कालका शिमला रेलवे लाइन को डाल दिया गया था. फ्रेंड्स यूनेस्को के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये जो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है और इसकी जो फुल फॉर्म रहती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. और फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो पेरिस है. पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. और इसकी जो फॉर्मेशन है वो जो है 1945 में हुई थी. तो फ्रेंड्स ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखें 1945 में यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी. हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में रहता है. पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ओरिजिनली फ्रेंड्स इसमें 107 टनल्स को बनाया गया था. लेकिन 102 जो है इसमें यूज में रही है. लॉन्गेस्ट टनल जो है फ्रेंड्स इसमें जो है बड़ोग में रहती है. बड़ोग में जो है शिमला कालका रेलवे ट्रैक पे जो सबसे बड़ी हमारी है टनल रहती है. आइए फ्रेंड्स अब कुछ इससे रिलेटेड MCQs कर लेते हैं. तो शिमला कालका रेलवे लाइन को धरोहर रेलवे कब घोषित किया था. अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो ढंग से सुनी होगी तो शिमला कालका रेलवे लाइन को जो है 2008 में जो है विश्व धरोहर जो है यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था. फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. शिमला कालका रेल मार्ग के मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर कौन थे. तो फ्रेंड्स ये भी हमने अभी डिस्कस किया. HS हरिंगटन जो है शिमला कालका रेलवे लाइन के जो है हमारे चीफ इंजीनियर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास फ्रेंड्स शिमला कालका रेलवे लाइन बनकर कब तैयार हो गई थी. जो फ्रेंड्स 1898 में जो है बनकर जो तैयार हो गई थी.
हिमाचल देश के किस जिले में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है? तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ ऊना में ही जो है हमारे पास ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है जो कि 23 किलोमीटर की रहती है। वर्तमान में शिमला कालका रेलवे मार्ग में कितनी सुरंग है? फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया इसमें जो है वर्तमान में जो सिर्फ 1 या 2 टनल जो है वर्क कर रही है। जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे मार्ग में कितनी सुरंग है? फ्रेंड्स जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे मार्ग नंबर 12 बता दूं मैं, ये जो है 163 किलोमीटर का ट्रैक है और ये भी जो है नैरो गॉज में ही आता है और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 टनल्स रहती है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिमला कालका रेलवे लाइन पर सबसे बड़ी सुरंग कहां पर है? तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी सुरंग जो है इसमें जो है बड़ोग में है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में हम और भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें डिस्कस करते हैं और वहां पर जो मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ और उसमें जो है मैं डेली न्यूज़पेपर भी डालता रहता हूँ। दैट्स द एंड ऑफ अवर वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।